अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। यार फारिग बैठे बैठे थे, क्योंकि लॉकडाउन में कुछ करने को तो है नहीं, तो हमने सोचा एक काम कर लिया जाए। तो ओवर टू यू शामिर, क्या करने जा रहे हैं हम लोग? हाँ, पैंथर और लाइन कहाँ से मिलेगा? फिश लेंगे ना एक्वेरियम के लिए, है? फिल्टर? अच्छा, फिल्टर लेना है। हाँ भाई, लाइट लेनी है, फिल्टर लेना है एक्वेरियम के लिए, और फिशेस लेनी है। पुरानी फिशेस का और उसका एक्वेरियम का क्या हुआ? पुराने से मुराद ये आपके पास लिंक आ रहा होगा, ये जो एक्वेरियम हमने खरीदा था, थैंकफुली वो मछलियाँ काफ़ी ज़िंदा रह गई, वरना शामी ने उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी स्टोरी बाद में सुनाऊंगा आपको। उनको दूध भी पिलाया गया और पता नहीं क्या क्या किया गया उन बेचारियों के साथ। तो अब दोबारा से एक्वेरियम आबाद करने का टाइम आ गया, तो अब हम चलते हैं फिशेज़ लेने। ठीक है, ओके शामीर। भाई शामीर को मैं ला नहीं सकता था क्योंकि शॉप्स में बच्चा अलाउ नहीं है, मैं खुद ही आ गया हूँ फिशेज़ वगैरह लेने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। घर आ गए, और घर आने के बाद सबसे पहला काम है ग्लव्स उतारना, हैंड वॉश करना, मुंह हाथ धोना, उसके बाद फिर चलते हैं एक्वेरियम लगाने पे। यार पहले जहाँ हमने एक्वेरियम रखा था ना, तो उस वजह से जो है वो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि शामिर थोड़ा छोटा था और जब उसको गुस्सा आता था एक्वेरियम में कुछ ना कुछ डाल देता था, इवन अपना खाना डाल देता था कि मैं जो है वो फिशेज़ को फीड कर रहा हूँ। तो अब मैंने सोचा है कि ये शू रह गया मेरा, शू रैक के ऊपर रखता हूँ, तो एक्वेरियम उससे थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, तो शायद थोड़ा सा एक्सेस से बाहर हो जाए। सबसे पहले तो जो एक्वेरियम की हालत है उसको धो लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से ऐसी पड़ाव है। अच्छा जी, इसमें पानी भरते हैं इन नवीन टाइम एक्वेरियम के पत्थर जो हमने पहले से ही सेव करके रख लिए थे, वक्त आ गया है उनको वापस डालने का। दोबारा लेकर आया हूँ, क्योंकि जो मैं पहले फिल्टर लेकर आया था यार, वो थोड़ा सा बड़ा आ गया था, तो उसकी वजह से भी जो है ना उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मछलियाँ मर रही थी, तो इसलिए फिर मैं छोटा फिल्टर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक्वेरियम है। तो इसको हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? और ठीक है गाइस, गुड जॉब गाइस। अच्छा जी, अब हमने बनना है रिमेनिंग एक्वेरियम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि छोड़ हटो भी। फिशेस चूँकि इस उसमें आ नहीं रही हैं, तो इसलिए हम इस शॉपर को थोड़ी देर के लिए रख पाएंगे पहले, लेकिन मैं इसको भर दूं ताकि थोड़ा सा तो एडजस्ट हो जाए फिशेस। महंगी ना तो सही हो जाएंगी।
चलो जी ये हो गया। अब थोड़ी देर के लिए हम फिशेस को इसमें रख देते हैं। कोई बात नहीं, गिनने दो, अभी हम साफ कर देंगे ताकि थोड़ा सा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। बेटा इट विल बी फाइन, डोंट वरी। अच्छा जी टाइम हो गया है फिशेस इसमें ड्रॉप करने का, तो हम मछलियाँ इसमें डाल देंगे। अब इसमें कुछ डालना नहीं। ओके ओके वेलकम ये जान। वेरी वही ये सब हो गया। एक्वेरियम फाइनली जो है वो अपने पुरानी डगर पे आ गया है। मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ अभी।